सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है, ऐसा लग रहा है केवल 19 तारीख के मतदान तक ही सरकार थी, अब सरकार आराम से चैन की नींद सो रही है। दहकते जंगलों से परेशान हुई जनता, कांग्रेस नेता ने सरकार को सुना दिया चढ़ गया पारा। उत्तराखंड में चुनाव खत्म होते ही जहां सियासी पारा गिर गया, तो वहीं दहकते जंगलों के चलते तापमान में तेजी से उछाल आया है। हल्द्वानी, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, टिहरी और पौड़ी के जंगल लगातार आग की चपेट में हैं। पहाड़ों में आग की लपटों को दूर से ही देखा जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ ये आग बढ़ती जा रही है। ऐसे में वातावरण प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। आग की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से तापमान भी बढ़ गया है। ऐसे में कांग्रेस नेता का पारा भी हाई होता हुआ नजर आया। हल्द्वानी से विधायक और कांग्रेस नेता सुमित हृदेश ने राज्य सरकार पर करारा हमला बोला है। विधायक ने कहा कि सरकार सोई हुई है, जंगल और वन सब नष्ट हो रहे हैं। वह हृदेश ने सरकार को घेरते हुए कहा कि वन विभाग द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर कई बार मिलाने के बाद भी बंद आया है और जलते जंगलों का सीधा असर पर्यटन पर भी देखने को मिल रहा है। पर्यटन भी पड़ रहा है। हाँ, पर्यटन पे देखिए गहरा असर पड़ रहा है। कल ही मैं कैंची धाम गया तो रास्ते में जगह जगह ये जो जंगलों में आग है लगनी शुरू हो गई है। अभी अप्रैल भी समाप्त नहीं हुआ है तो भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मई और जून के महीने में क्या हाल होगा। वैसे ही हिमपात क्योंकि इस बारी इतना कम हुआ है, जल स्रोत वैसे ही सूखे हुए हैं, तो इस बारी सूखा होने का बहुत भारी अंदेशा। और ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगल में जो आग लग रही है, इससे बहुत बड़ा कष्ट लोगों को भी हो रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है और गर्मी में तापमान भी बढ़ रहा है और जो हमारे जंगल हैं, जो हमारी संपदा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और सरकार सोई हुई है। टोल फ्री नंबर एक जारी करा गया है, 1070 नंबर, ये मैंने 3 बारी आपके सामने अभी मिला है, स्विच ऑफ है। तो कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई मदद नहीं है। कोई अगर ग्रामवासी, कोई स्थानीय निवासी या कोई पर्यटक भी जूझ रहा हो इन चीज़ों से, तो वो कहाँ पे जाए, किसके पास जाए, कहाँ शिकायत करे। सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है, ऐसा लग रहा है केवल 19 तारीख के मतदान तक ही सरकार थी, अब सरकार आराम से चैन की नींद सो रही है। सुमित हृदेश ने कहा कि सरकार सिर्फ चुनाव तक ही जगी थी, अब आराम से सो रही है। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में कई जंगल आग से दहक रहे हैं, ऐसे में गर्मी प्रचंड रूप से बढ़ गई है। वही कयास लगाए जा रहे हैं कि मई और जून के महीने गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि इस बार बारिश और बर्फबारी न होने के कारण सूखे के आसार बन रहे हैं और जंगलों में लग रही आग से पर्यावरण के साथ साथ लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। फिलहाल सरकार इस पर क्या कदम उठाती है ये देखना होगा, क्योंकि विपक्षी नेता लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।